What is this? चिट्ठी है जो दलजीत जी ने दी और कहा है कि मैं इसे ध्यान से पढ़ूं। Oh no, इसका मतलब दलजीत ने प्रेगनेंसी वाली सारी बात लिखकर जीज को दे दी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा ममता कि तुमने ये चीज, आप कुछ भी कहें उससे पहले मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, तुम ये कैसे कर सकती हो ममता? चीज, लेकिन मैं क्या हूं? मैं है धोखा दिया तुमने मुझे, विश्वास तोड़ा मेरा। नहीं चीज, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। क्या रास्ता नहीं था ममता? मुझसे बात कर सकती थी ना, एक बार डिस्कस कर लेती मुझसे। मैं करना चाहती थी लेकिन मुझे लगा आप गुस्सा हो जाएं। ना, आप क्या हूं मैं फिर? विश्वास नहीं हो रहा ममता, मैं कैसे कर दिया ये? सारा सच बता दिया दलजीत जी को, उन्हें यह कह दिया कि हम उन्हें जलाने के लिए नाटक कर रहे हैं, सब बता दिया। क्या? हाँ, सारा सच पता दलजीत जी को और सारा सच इस चिट्ठी में लिख दिया है उन्होंने। आपने ये चिट्ठी पढ़ी? नहीं, हिम्मत नहीं हुई मेरी, पर मुझे लगा कि एक बार तुमसे डिस्कस कर लेता हूं। शायद मुझे ना ये चिट्ठी पढ़ लेनी चाहिए थी ताकि मुझे पता चलता कि उन्हें कितना बुरा लगा होगा। मैं तुम्हें कह रहा था ना, आइडिया सही नहीं है, पर तुम सुनती नहीं हो। अब कम से कम ये पढ़ लेता हूं ताकि पता तो चले कि प्लीज, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है ना। कोई बात नहीं, मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। पढ़ती हूँ दल्लू दीदी ने क्या लिखा है। राजीव जी, एक बहुत बड़ा सच आपसे ममता ने छुपाया है, जो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपके इतने एहसान है मुझ पे कि मैं नहीं चाहती कि आपको अंधेरे में रखा जाए। असल में बात यह है कि ममता IVF के जरिए आपसे बच्चा चाहती है। मन में पढ़ोगी कि मुझे बताओगी? जीज, कंग्रेचुलेशंस। पता है दल्लू दीदी ने क्या लिखा है? क्या? डियर राजीव जी। मेरे लिए डियर लिखा है? हाँ, मैं आगे पढ़ती हूँ। डियर राजीव जी, आखिरकार ना ना करते हुए आज मेरी ना ना हाँ हाँ में बदल गई है। आज मुझे कहना ही पड़ेगा कि मेरी सूनी पड़ी बगिया में खुशियों के फूल तभी खिलेंगे जब आपका प्यार का बीज उसमें पड़ेगा। आप मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट हो जिसका रिटर्न 100 times है। मुझे पता है कि आप और ममता मिलकर प्यार का नाटक कर रहे हैं और ममता ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। देखा जी, लेकिन सच कहूँ तो ममता का ये आइडिया ना काम कर गया और सच में मेरे दिल में सोया हुआ प्यार जाग गया है। ममता की वजह से ये सब हुआ है, इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ममता आपसे जो मांगे ना उसे दे दीजिएगा। वो जो चाहे उसके लिए हाँ कह दीजिएगा। ममता का दिल मत तोड़िएगा, भले आपको आपके संस्कार रोके या समाज, परिवार ना कहे या आपका मन, लेकिन फिर भी ममता जो कहे ना उसके लिए हाँ कह दीजिएगा। एक बात समझ नहीं आई, मतलब दलजीत जी ने मेरे अपने लिए सिर्फ 2 लाइनें लिखी, तुम्हारे लिए पूरा चिट्ठा लिख दिया। अब मैं क्या कहूँ, दल्लू दीदी है ही इतनी थैंकफुल। पर जीज, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, दलजीत ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि शी लव्स यू। ममता, थैंक यू, थैंक यू। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ। टीटू भैया कितने खुश लग रहे हैं, पापा जी को समझाना ही पड़ेगा कि हमें टीटू भैया की खुशी में खुश होना चाहिए, चाहे फिर वो खुशी ममता के साथ ही क्यों ना हो। ये फूल आपके लिए? ये मेरे लिए? आपने वो चिट्ठी पढ़ी? पढ़ ली, तभी तो ये फूल लाया हूं आपके लिए। आपने अपने दिल की बात कह दी, सब कुछ लिख दिया उसमें, वरना मुझे पता ही नहीं चलता। जी राजीव जी, वो मैम,
थैंक यू. हाँ वो एक्चुअली मैं काफी टाइम से कोशिश कर रही थी कि आपको बता दूं ये सारी बातें, पर बता नहीं पा रही थी. इसीलिए मुझे लगा कि यही करेक्ट है जी, कि मैं चिट्ठी में लिख देती हूँ आपको. तो क्या क्या करेंगे आप? मैं क्या करूँगा, मैं सोच रहा था जजी जी कि नहीं, एक्चुअली आप ना रहन दो, बताइए मुझे कि आप क्या सोच रहे हैं. मतलब आप क्या करेंगे नहीं करेंगे तो आपका पर्सनल मैटर है ना. मतलब आप कुछ भी सोचे कुछ भी करे, ये जानने का या पूछने का मेरा तो कोई हक नहीं है ना. बिल्कुल हक है आपका, क्या कह रही है, पूरा अधिकार है. और अगर आपको मेरे मुंह से सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है तो मैं भी चिट्ठी लिख देता हूँ. नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है राजीव जी. वैसे भी जितना मैं आपको जानती हूँ मुझे पता है कि आपका जवाब तो ना ही होगा. मैं आपसे प्यार करती हूँ राजीव जी, आई लव यू. मेरे मन में आपके लिए प्यार नहीं है दलजीत जी. मेरा दिल आज भी जानवी के लिए धड़कता है, मेरी जिंदगी पे सिर्फ उसी का अधिकार है. मैं बहुत प्यार करता हूँ जानवी से. पता क्या दलजीत जी, वक्त और हालात ना दोनों बदल चुके हैं, इसलिए अब मेरा जवाब ना नहीं है, मेरा जवाब हाँ है. जी हाँ है. बच्चा मुझे जी से ही चाहिए एज अ डोनर. मेरा जवाब हाँ है. राजीव जी IVF के लिए हाँ कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूं मैं दलजीत जी, इस रिश्ते के लिए, हम दोनों के बीच पनप रहे इस प्यार के लिए. और आज मैं आपसे कह दूंगा कि मैं आपसे प्यार करता हूं. दलजीत जी मैं आपसे एक मिनट आप ना आगे कुछ मत बोलिए प्लीज. जैसे कि मैंने कहा कि आपका पर्सनल मैटर है, मतलब आपकी मर्जी, आपको जो करना आप करें. हाँ जी मैं क्यों बीच में पढ़ू. इनफैक्ट मुझे तो अब यही लगता है कि शायद मैं जो इस घर में रुक गई ना PG बनकर, यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी जी. क्या बोल रही है आप, कुछ भी बोल रही है, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, मेरी बात तो सुन लीजिए. दलजीत जी मैंने फैसला ले लिया है और मेरा फैसला ये है कि मैं तैयार हूं. हाँ जी राजीव जी आप तैयार है? मतलब आप ममता जी के बच्चे का बाप बनने के लिए तैयार है? क्या बोल रही हैं आप, क्या ममता बच्चा, कौन सा बच्चा, किसका बच्चा, कैसा बच्चा दलजीत जी, आप क्या क्या बोल रही हैं? वही जो मैंने चिट्ठी में लिखा है कि ममता जी जो है वो आपसे बच्चा चाहती है. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.